आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम महासमर में। आज हम महासमर में आपको बताएंगे यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है, साथ ही आपको बताएंगे मायावती ने कैसे अपने पार्टी के नेताओं की सर्जरी की। यही नहीं, आपको बताएंगे यूपी के महासमर में कैसा प्रियंका गांधी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, कैसे सभी पार्टी की निगाहें मुस्लिम वोटर्स पर अड़ी हैं। इन्हीं सब खबरों को अगले आधे घंटे तक हम आपको विस्तार से बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए बीजेपी अब अपने सभी खाली विभागों को भरने का फैसला किया है। कौन सा विभाग खाली है, इसलिए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। साठ घंटे की मैराथन बैठक, रिपोर्ट तैयार। दिल्ली के दरबार में बीएल संतोष ने रखी रिपोर्ट। किस पर गिरेगी गाज, किसको मिलेगी गुड न्यूज। यूपी में बिछाई बिसात, मिशन विजय का होगा आगाज। बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने पूरी यूपी की राजधानी लखनऊ में 60 घंटे की मैराथन बैठक की। इस बैठक में सभी मंत्री, विधायक और बड़े छोटे नेताओं से तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई और बीएल संतोष ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसे दिल्ली के दरबार में रखा गया। इस रिपोर्ट के आधार पर आगामी विधानसभा चुनाव में बड़े छोटे नेताओं की जिम्मेदारी तय की जाएगी। सूबे की बीजेपी अब पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है। जिस तरीके से बीएल संतोष ने लगातार 60 घंटों तक मैराथन बैठक की, उस बैठक की रिपोर्ट दिल्ली दरबार में पेश की जा चुकी है। उस बैठक की रिपोर्ट के अनुसार सूबे के बीजेपी खेमे में कई लोगों को गुड न्यूज मिल सकती है, तो कई लोगों के लिए खतरे की घंटी भी बज सकती है। बीएल संतोष की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा शिकायतें इस बात की थी कि सूबे में निगम, आयोग, प्रकोष्ठ में जगह रिक्त है, जिन्हें भरने की कवायद तेज कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अन्य पिछड़ा आयोग में अध्यक्ष पद का लंबे समय से खाली है। बीजेपी महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा में अध्यक्ष भी नहीं है। ऐसे में कई विभाग हैं जो खाली हैं, उन्हें जल्द ही भरा जाएगा। बीजेपी के इस फैसले से स्पष्ट है कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से 2017 की जो कहानी है उसको दोहराने के मूड में है। लिहाजा आने वाले दिनों में जो सूबे के निगम है, प्रकोष्ठ है, उनमें जो खाली पड़े पद हैं उनको भी भरा जाएगा, ताकि लोगों के मन में जो असंतोष पैदा हो रहा था उसको खत्म किया जाए। आगामी विधानसभा चुनावों के चलते कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और उन्हें मजबूत करने के लिए जरूरी है कि उन्हें कुछ जिम्मेदारियां दी जाएं। लिहाजा अब संगठन और सरकार ने इस पर सहमति जताई है कि जल्द ही इन जगहों को भरा जाए, जिससे कि संगठन और मजबूत हो सके। आपको बता दें कि बीएल संतोष की 60 घंटे के मैराथन बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार में और संगठन में खाली पड़े पदों का मसला भी उठा था। वहीं कई मंत्रियों और विधायकों ने ब्यूरोक्रेसी पर भी सवाल खड़े किए थे। हालांकि सभी लोग मीडिया के सामने आलीजवेल बोलते हुए नजर आए। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली दरबार से क्या कुछ पैगाम उत्तर प्रदेश के लिए आता है।